हमारे साथ बात करने के लिए विवेक सिंह साहब हैं, जो बनारस से हैं, BHU से हैं और अपनी एक फिल्म की है मुंबई टू बनारस एक्सप्रेस। बहुत अच्छा रोल है, रफीक का रोल है। एक सीन में आप देखते हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति के जो इसको कैंसर बता दिया जाता है वो आप उसकी पूरी मदद करते हैं शुरू से लेके अंत तक, और आप जाते वक्त उसके पैर छूते हैं। एक रफीक होने के नाते एक हिंदू व्यक्ति के पैर छूना, उसके विषय में आप कुछ कहेंगे? हाँ, क्योंकि जो इन लोग का रिलेशनशिप होता है, जो झुंझुनवाला जी का और रफीक का, वो धर्म से ऊपर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शहर में और बनारस में धर्म से हमेशा इंसानियत ऊपर होती है। तो आप अगर किसी से प्यार करते हो तो हम लोग किसी को प्रणाम कर देते हैं या अस्सलाम वालेकुम भी बोल देते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, मतलब एकदम मिक्स है, कुछ भी ऐसा नहीं। विवेक जी, आप थिएटर से जुड़े हुए हैं और थिएटर के एक मजे हुए कलाकार हैं जी। जो आपकी शॉर्ट फिल्म में आरती छावरिया जी की के निर्देशन में जो बनी है, उसमें साफ नज़र आती है कि आप मजे हुए कलाकार हैं और पहुँचे हुए कलाकार हैं। तो रफीक का रोल निभाना आपको कैसा लगा और ये फिल्म आपको मिली कैसे? मेरा फिल्म मिलना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुश्किल है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है। एक्टर बहुत है एक्चुअली। एक मेरा दोस्त है रजत, उसने मेरे साथ मास कम्युनिकेशन किया है बनारसुंदी यूनिवर्सिटी से, तो उसने ही मुझे फ़ोन किया कि यार एक रोल है, तू करना चाहता तू कर लेगा? तो मैंने पूछा क्या है, तो बोला अच्छा ठीक है। उसने बताया कि रोल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, फिर आती मैम से बात हुई, आती मैम ने पूछा कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, रिक्शा चलाना तो सीख ही लेंगे, फिर आप थोड़ा डिटेलिंग दे दीजिएगा कैरेक्टर के बारे में। कितने दिन लगे आपको रिक्शा चलाने में? क्योंकि जब आप फिल्म में रिक्शा चलाते तो ऐसा लगता है कि हाँ एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, बात भी कर रहा है, रिक्शा भी देख रहे हैं, और बनारस का तो ट्रैफिक ऊपर वाला ही जानता है कितना ट्रैफिक, उस ट्रैफिक में आपने रिक्शा भी चलाया है, कम्युनिकेशन भी किया है, तो कितना मुश्किल था आपको रिक्शा सीखना और चलाना? ज़्यादा मुश्किल। और कितने दिन में आप रिक्शा सीख पाए? बहुत मुश्किल था रात को, एक्चुअली बाहर तो शहर में आप सीख नहीं सकते, हमेशा जाम रहता, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में रात को 12 बजे हम लोग निकलते थे रिक्शा लेके किसी का मांग के, और उसके बाद हम लोग उसको चलाना। BHU कैंपस से आप रात के अंधेरे में निकलते थे लेके चलाते बचाने के लोगों से, और फिर 3 दिन में मैं स्पेशलिस्ट हो गया, क्या मैं साइकिल रिक्शा चला भी सकता हूँ, मैं बात भी कर सकता हूँ। अगर विवेक जी आपके आगे के प्लान पूछे जाएं तो क्या आप बनारस से मुंबई कूच करना चाहेंगे? बनारस से मुंबई आना चाहेंगे बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड के लिए अगर बॉलीवुड मुझे बुलाता है तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी मैं मुंबई में बनारस में अपने को थोड़ा और काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, तो आई एम वर्किंग ऑन थिएटर। कोई बैकग्राउंड है आपके परिवार में कोई और? नो बडी, मेरे पिताजी किसान हैं और गाजीपुर में खेती करते हैं, बहुत ही नॉर्मल फार्मर है वो, कोई रिलेशन ही नहीं है मेरा। और जब मेरे यहाँ तो लोग ये कहते हैं भाई तुमने गलत ट्रेन चुन लिया, मतलब नाता ही नहीं, रिश्ता नहीं, परिवार का कोई नाता नहीं है, लेकिन आपने इस फिल्म के जरिए एक नाता बनाया है। हाँ, जो आने वाले कलाकार हैं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हालांकि मैं मैसेज देने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जो भी छोटा काम आए मन से करिए, डायरेक्टर की बात सुनिए, अगर फिल्म है तो डायरेक्टर की बात सुनिए, क्योंकि डायरेक्टर ही होता है जिसकी फिल्म होती है। बस इतना ही है कि अपना काम जो भी मिले, इतना सा भी रोल मिले ना। साक्षात्कार.com और filmypr.com से बात करने के लिए विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।